भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। भगवान श्री राम मनुष्य रूप में आए थे कि नहीं? उनका रूप कैसा? मनुष्य जैसा है कि नहीं? कृष्ण भी मनुष्य के रूप में है, कबीर भी मनुष्य के रूप में है, गुरु घासीदास भी मनुष्य के रूप में, ईसा मसीह मनुष्य के रूप में, स्वामी महावीर, महात्मा बुद्ध सब मनुष्य के रूप, विवेकानंद मनुष्य के रूप में। लेकिन कब, क्यों, कैसे? जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब धर्म नष्ट होने लग जाता है। तुम्हारे घर में ज्यादा उपद्रव पैदा हो जाए तो उसी घर के अंदर एक व्यक्ति का ऐसा जन्म होगा जो घर के उपद्रव को शमन करने के लिए खड़ा हो जाएगा। तुम्हारे गांव में ज्यादा उत्पात पैदा हो जाए तो उसी में किसी एक व्यक्ति का ऐसा अवतार हो जाएगा कि पूरे गांव को फिर नियंत्रण करके सुधारने का प्रयास करेंगे। देश के अंदर जब ज्यादा बवाल पैदा होता है तो देश के अंदर ही हजारों लाखों दिव्य आत्माओं का जन्म हो जाता है और देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए संसार के भोग विलास को त्याग करके वे कूद पड़ते हैं देश की सेवा में और देश को कंट्रोल करते हैं। जब ये देश पराधीन था, अंग्रेजों के चंगुल में था, और पराधीन रहना भारतीयों की आदत जैसी बन गई है। कभी मुसलमानों के पराधीन रहे और फिर अंग्रेजों के पराधीन रहे 250 वर्ष तक, और आज भी कुछ नहीं तो तुम गुड़ाखू के पराधीन हो, तंबाकू के पराधीन हो, दारू के पराधीन हो, अंडा मुर्गी के पराधीन हो। ये कोई जिंदगी है? अंडा मुर्गी खाना नहीं है, उसके पराधीन होना नहीं है। अपना स्वतंत्र जीवन, साफ सुथरा पवित्र शाकाहारी जिंदगी जीना है, सारी पराधीनता की जंजीरों को तोड़ देना है। ये भी बहुत पराधीनता है। क्यों मैं बीड़ी का गुलाम बनूं? क्यों मैं तंबाकू चुगुर बूर खाऊं? क्यों पान तंबाकू के चक्कर में पड़ूं? क्यों गुड़ाखू घिसूं? कोई जानवर कोई नशा नहीं करता है, उसको कोई टेंशन नहीं रहती है। जानवर को कभी ये रोग नहीं रहता कि आज नींद नहीं आ रही उसको रात में। लेकिन आदमी इतना नशा करता है, इतना बवाल बनाता है, लफड़ा बनाता है, और फिर भी इसको रात को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं आती है। ये सब नशा छोड़ दो, मांस मछली अंडा नशा शराब त्याग करके पवित्र शाकाहारी जीवन जियो, आपको अच्छी नींद भी प्राप्त होगी और प्रेम से सत्संग सुन करके मुस्करा कर जिंदगी गुजारो।